बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 3। ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, सबसे पहले अपनी वीडियो को ऑफ कर दें और हैंड फ्री यूज़ करें ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरह आ सके। ओके स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज 1.2.4 एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इससे पिछले जो हमने दो लेक्चर लिए हैं, उन लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा था? एल्गोरिथम पढ़ा था, सॉल्यूशंस पढ़ा था, कैंडिड सॉल्यूशंस, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम्स किस टाइप का होता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक है एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इस सेक्शन में आपको ये बताया जाएगा कि एल्गोरिथम से आप किस तरह मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इस टॉपिक के बाद आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स पैदा हो जाएंगी कि आप अगर कोई छोटा प्रोग्राम आपको दे दिया जाए तो आप उसका एल्गोरिथम खुद से लिख सकते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान अबाउट द सॉल्यूशंस। पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने सोचना है कि अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है हम इसको सॉल्व कैसे करें। इसके लिए पहले आपने प्लानिंग करनी है। मैंने आपको बताया था पेपर वर्क किया जाता है, सबसे पहले पेपर वर्क होना चाहिए आपके पास। उसमें क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है हमने जो बनाना है इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है और क्या चीज़ हमसे रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमने आउटपुट देनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन में पहला स्टेप आता है कि इनपुट क्या होगा, हाउ मेनी नंबर्स, 5 गिवन नंबर्स, सो वी टेक 5 नंबर्स एज इनपुट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, रिक्वायर्ड आउटपुट इज सम प्रोडक्ट एवरेज। ओके जी, तो ये तीन चीजें आपको आउटपुट में चाहिए, सम प्रोडक्ट एवरेज। ओके नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग ये होगी आपने सम निकालना है तो एडिशन करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, एवरेज के लिए डिवीजन करनी पड़ती है। तो ये आपने तीन चीज़ें इधर लिख ली प्लानिंग में। अब चलते हैं एल्गोरिथम, तो वो कैसे बनता है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन उसने भी बताई थी, एक दफ़ा फिर देख रहे हैं। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स That clearly defines a sequence of operation to solve a problem. जैसे उस दिन बताया था कि एल्गोरिथम आपके पास कोई टेक्निक, कोई प्रोसीजर, कोई प्लान, कोई मेथड, चाहे आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज करें, ये वो प्लान होता है जिसके थ्रू आप एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पर एल्गोरिथम को देखने से प्रॉब्लम क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में होता है। अब एल्गोरिथम में देखें आपके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है 5 नंबर्स आपने गिवन लेने हैं। ओके फिर उसका सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है एंड एवरेज लेनी है। ओके जी, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, एल्गोरिथम को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके जी, फिर क्या होगा, आपने 5 नंबर लेने हैं। Let the 5 numbers be A b equal to 5, c equals to 8, d equals to 4 and e equals to 12. It's up to you. You can take A equals to 5, b equals to 7, c equals to 12, anything. Okay? So step number 2. What is the step number 2? Find sum. Okay. For sum, we write sum equals to A plus B plus C plus D plus E. Okay? आपने यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, लेकिन जब ये रन होगा तो बैकग्राउंड में ये ए की वैल्यू को प्लस करेगा, 2 प्लस 5 7 प्लस 8,
15 प्लस 19 19 प्लस 12 करेगा 31 ओके. फाइंड द प्रोडक्ट स्टेप 3 वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई. ओके जी. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी डोंट यूज एनी प्रोडक्ट साइन लाइक क्रॉस. वो यूज स्टेरिक. ओके. ये जो ए और बी के दरमियान साइन है इसको स्टेरिक कहते हैं और ये यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में प्रोडक्ट के लिए. तो स्टेप 3 से आपके पास प्रोडक्ट आएगा. स्टेप नंबर 4 फाइंड द एवरेज. वी हैव टू फाइंड एवरेज. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज. फार्मूला ऑफ एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स यू हैव. लेट्स सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ओके. सो यू विल ऐड द 5 सब्जेक्ट्स नंबर्स एंड देन डिवाइडेड बाय 5. अगर आपके पास आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 4 सब्जेक्ट हैं इसकी एवरेज निकालनी है इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करें 4 में डिवाइड करें एवरेज आ जाएगी. सम यहाँ पर देखें. अब इसने क्यों नहीं लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5. इसकी रीज़न ये है कि जो सम है वो ऑलरेडी पहले ही हमने फाइंड कर लिया है इसलिए दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये लिख देता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ब्रैकेट क्लोज कर देता है डिवाइडेड बाई 5 तो भी उसका आंसर सेम आएगा लेकिन वो काम को बढ़ाएगा. ओके. हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होनी चाहिए स्पीड तेज हो कॉस्ट इफेक्टिव हो और कम्प्लिसिटी ना हो. तो उसके लिए मिनिमम स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए. लास्ट स्टेप स्टेप 5 क्या होगा. आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज जो हमने सम निकाला है उसको आउटपुट डिस्प्ले करा दो. प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा दो स्क्रीन पे एवरेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो. सारे काम हो गए स्टेप से स्टॉप प्रोग्राम को स्टॉप कर दो. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 है. प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके पास देखें. प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स. ओके जी. 3 नंबर आपके पास दिए होने चाहिए उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड करना है. सिंपल सी बात है यहाँ से पता चल रहा है वी हैव टू टेक इनपुट 3 नंबर्स एंड अनइक्वल नंबर्स. ओके. सेकंड थिंग व्हाट इज द आउटपुट रिक्वायर्ड इन दिस प्रॉब्लम. द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. ओके. एंड प्रोसेसिंग हाउ वी प्रोसेस कंपैरिजन ऑफ ईच नंबर्स विद अदर 2 नंबर्स. सिंपल सी बात है अगर आपके पास 3 नंबर्स हों 2, 3, 5 आप जारी बात है प्रोसेसिंग इसी तरह करेंगे 2 को कंपेयर करेंगे 3, 5 से. क्या ये बड़ा है ठीक है अगर नहीं है तो 3 को कंपेयर करो अगर नहीं है तो 5 को कंपेयर करो. जो बड़ा हुआ उसको डिस्प्ले करा देना कि ये बड़ा है. अब देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे बनता है चेक कर लेते हैं. एल्गोरिथम के लिए स्टेप 1 वही स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को. स्टेप 1 में आपने स्टार्ट करना है और क्या करना है लेट द 3 नंबर्स पी 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं ए बी सी आपकी मर्जी आप जो मर्जी लें. अब प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब आपने चेक कैसे करना है. स्टेप नंबर 2 में देखें चेक इफ ए इज द लार्जेस्ट नंबर. देखें बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है आपने चेक करना है कि अगर ए बी और सी से बड़ा हो तो क्या होना चाहिए. सिंपल यही होना चाहिए कि अगर ए बी और सी से बड़ा हो तो हम ये डिस्प्ले करा देंगे कि ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर. ऐसे ही है फिर बी को चेक करेंगे फिर सी को चेक करेंगे. लेकिन अगर ए बी और सी से बड़ा नहीं है तो फिर बी को चेक करना पड़ेगा. यही प्रोग्राम यहाँ पर बना है. देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इक्वल्स टू ए. ये बात तो सबको समझ आ रही है. इफ ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट ए. ये तो सबको समझ आ रही है. अदरवाइज गो टू स्टेप 4. स्टेप 4 पे क्यों गए कि अगर ये ए बी और सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है
कि अब आप बी को चेक करेंगे, इसी तरह बी अगर पढ़ा नहीं हुआ तो सी को चेक करेंगे, ऐसे ही है? अच्छा, इसलिए वी हैव टू गो स्टेप नंबर फोर एंड अगेन चेक इफ बी इज द लार्जेस्ट नंबर, देन इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इक्वल्स टू बी. अगर बी ए से बड़ा है और सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो लार्जेस्ट नंबर हुआ आपके पास. अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर सिक्स. सिंपल सी बात है, अगर ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो बचा कौन सा सी, फिर अंडरस्टूड है कि सी उन दोनों से बड़ा होगा. तो हम सी के लिए चेक नहीं करेंगे, इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी देन लार्जेस्ट सी, वो कर लें तो भी ठीक है लेकिन हम वो नहीं करेंगे. हमें पता है अगर ए बड़ा नहीं है बी बड़ा नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है कि सी बड़ा होगा, तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू सी. ओके जी, गो टू स्टेप सेवन. गो टू स्टेप सेवन अब ये क्यों लिखा था, गो टू स्टेप सेवन इसलिए लिखा था कि अगर यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है कि ए बड़ा है तो आप स्टेप सेवन पे चले जाएं, आउटपुट लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट अगर यहाँ से स्टेप सेवन पे आया तो ए डिस्प्ले करेगा, यहाँ से आया तो वो बी डिस्प्ले करेगा और एंड पे प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे. प्रॉब्लम नंबर थ्री देखते हैं. In problem number 3, find acceleration of a moving object for given mass and the force applied. Okay, ji. In problem number 3, we have force and mass and we have to find the acceleration. Okay, so how we solve the solution? First of all, we have to take input force and mass. Okay, second thing, what is the output? We have to display acceleration. Okay. Third step, processing. Divide the force by mass. You have to know the formula of acceleration. Okay? You know that formula of force is equals to mass multiply acceleration. So if we have to find acceleration, so we divide force divided by mass. Okay. Step number one, start. And we have to take mass and force as input. Okay. Then calculate the acceleration. Now, how we calculate the acceleration? Simply, we write the formula force divided by mass. Okay, ji. And step number three, output A. A means acceleration. Step four, stop. Bahut simple sa program tha. Calculate karne ke liye acceleration mein formula likh dein. Formula aapne likha hai, wo background mein uski value lega. Wo formula nahi dekhta, wo values dekhte hai uski. F or M ki values ko wo divide karke आंसर ए में स्टोर करा देगा, अगले स्टेप में ए को डिस्प्ले करा देगा आपका एल्गोरिथम. यस यस. प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. ओके जी, आपको पता है कि अगर आप किसी का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब. क्यूब की एटलीस्ट वन लेंथ आपको रिक्वायर्ड होती है, वो चाहिए. दूसरी कि आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिस्प्ले कराना होगा आंसर की सूरत में, सेकंड थिंग. ओके जी, लास्ट में क्या है, प्रोसेसिंग, कि आपने उस पे प्रोसेस कैसे करना. ओके ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर वन इज स्टार्ट. ओके जी, स्टार्ट करते हुए ही आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब. कम से कम एक साइड की लेंथ आपके पास होनी चाहिए. सो लेट बी इक्वल्स एल इक्वल्स टू 12, ठीक है. आप 12 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें. लेट सपोज हम 12 की जगह यहाँ पर 8 रख लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, स्टेप टू में क्या होना चाहिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम. और वॉल्यूम का आपको पता है क्या होता है फार्मूला, बी इक्वल्स टू एल क्यूब. जो लेंथ होती है उसके अगर आप क्यूब ले लें तो क्या हो जाता है, वो वॉल्यूम आ जाता है. एल क्यूब मीन्स 12 क्यूब. 12 क्यूब ले लें या 8 क्यूब ले लें, जो भी आपकी साइड है उसका आंसर वो वी में स्टोर करा देगा. स्टेप थ्री में उस आंसर को डिस्प्ले करा देगा, आउटपुट वी. स्टेप फोर में आपका एल्गोरिथम खत्म. छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि इजीली सॉल्व हो जाती है. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द हाइट एंड
बेस आर्गुमेंट सिंपल है, देखें आपके पास हाइट और बेस ट्रायंगल की होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने आउटपुट देना है, प्रोसेसिंग में क्या होगा, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही है, और फिर डिवाइड अच्छा करते जी। हैं टू से, जो कि एरिया का फार्मूला होता है, अब तक ने मैथमेटिक्स में ये लाजमी पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, देखें एल्गोरिथम, पहला स्टेप क्या होगा कि हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं, साथ ही क्या होगा, आपको हाइट और बेस चाहिए, सो वी हैव टू टेक इनपुट हाइट एंड बेस, वी रिप्रेजेंट हाइट विद एच एंड बेस विद बी, क्या था फिर कर देते हैं। ओके जी, फिर नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव हाइट एंड बेस, लेट्स सपोज 10 एंड 15, सो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया। ओके जी, नाउ हाउ वी कैलकुलेट द एरिया, वी हैव द फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो बेस आपके पास क्या है, 10, उसके बाद हाइट क्या है, 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 150, एंड 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 75। ओके, सो एरिया इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आउटपुट एरिया का जो आंसर है उसको आउटपुट डिस्प्ले करा दें, स्टेप नंबर 4 में स्टॉप कर दें, सिंपल। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। ओके जी, आपने क्या करना है, मार्क्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड आपने प्रिंट कराना है। जैसे देखें, आपके हर महीने टेस्ट होते हैं, फ्राइडे टेस्ट, लास्ट वर्किंग डे को आपकी डायरी बनाई जाती है, डायरी में परसेंटेज लिखी जाती है, परसेंटेज को देखते हुए आपको ग्रेड दिया जाता है, सेम टू सेम ये वही प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज आपके पास मार्क्स हैं अब, ठीक है, और मार्क्स अगर आपके पास ग्रेटर देन 80, लेस देन 100 है, A1 ग्रेड दें, ग्रेटर देन 70, लेस देन 80, A, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 60, B, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 50, C, D, E एंड अनग्रेडेड। ओके जी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपके पास मार्क्स होने चाहिए, मार्क्स होंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ग्रेड क्या मिलेगा। सेकंड थिंग, आउटपुट क्या देना है आपने, ग्रेड देना है, लेटर ग्रेड चेक करते हैं। ओके जी, स्टेप नंबर 1, स्टार्ट, लेट द मार्क्स बी एम, आपने मार्क्स एम ले लिया, अब क्या लिए ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये तो इनपुट देगा, उसकी मर्जी वो चाहे 15 दे, चाहे 100 दे, चाहे वो 50 दे, 90 दे। ओके जी, जो भी वो मार्क्स देता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कंपेयर दी मार्क्स, मार्क्स को अब हमने 1 by 1 कंपैरिजन करना शुरू कर देना है, और कंपैरिजन में क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, देखें अगर आप एल्गोरिथम को ना देखें, मैं आपको वैसे ही कहता हूँ, तो इसका आंसर ये बनता है, देखें कि अगर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, सो ग्रेड इज A1, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ग्रेड इज A, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेड इज B, ऐसे ही है। तो अब इसी चीज को हमें एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख देना है, बस कैसे लिखेंगे, इफ मार्क्स मीन्स m ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन प्रिंट ग्रेड A1। ओके जी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन प्रिंट ग्रेड A1, अदरवाइज गो टू स्टेप 4। अदरवाइज गो टू स्टेप 4 क्यों इसने कहा, कि देखें अगर वो 80 से ग्रेटर होगा तो वो A1 ग्रेड प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के लिए उसको गो टू स्टेप नंबर 13 पर जाना पड़ेगा, वहां पर वो प्रिंट कर देगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो। तो अगर वो ऐसा ना हुआ, देन
गो टू स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 पे इसलिए कि दोबारा कंपेयर करो और अब 70 से कंपेयर करो. ओके, सो इफ मास ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन प्रिंट ग्रेड ए. ओके, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6. मीन्स अगर आपके पास अभी भी आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला तो आप स्टेप नंबर 6 में आ जाए. इसी तरह 60 को कंपेयर करें, देन 50, 40 पे देन प्रिंट डी. लास्ट कंपैरिजन में इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन प्रिंट ग्रेड ई, अदरवाइज प्रिंट अनग्रेडेड. देखें अब आखिरी स्टेप में इसने ये नहीं किया कि इफ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू लेस देन 33 प्रिंट ग्रेडेड, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है. अब यही हो सकता है मार्क्स एक ही चीज़ है, या तो 80 से अबव जा सकते हैं, 100 से अबव, वो आपने ऊपर कवर कर दिया. दूसरा ऑप्शन ये है कि 33 से कम हो सकते हैं, तो उसने क्या कहा, अदरवाइज प्रिंट अनग्रेडेड. तो 33 से अगर आपने कम मार्क्स इंटर किए तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा अनग्रेडेड, तो इसके लिए कोई ग्रेड नहीं है. ठीक है, इसी के साथ आपका ये एल्गोरिथम भी ख़त्म, स्टेप नंबर 13 पे स्टॉप हो जाएगा. प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ चलते हैं. फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर. ओके जी, एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर आपने फाइंड करना है. इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए. फर्स्ट, अ नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट. मीन्स लेट्स सपोज अगर आपने फाइंड करना है टू क्यूब्स, तो इसके लिए आपको टू भी चाहिए और क्यूब भी चाहिए. जिसकी पावर फाइंड करनी है वो नंबर, और जितनी पावर फाइंड करनी है वो नंबर. ओके, आउटपुट में क्या है, 2 का क्यूब आउटपुट होना चाहिए, मींस 8 डिस्प्ले होना चाहिए, मींस एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर होना चाहिए. और प्रोसेसिंग में क्या होगा, जो नंबर होगा उसको एज मेनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जितने की एक्सपोनेंट होगी. चेक करते हैं, देखें, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. आपने एक नंबर लेना है, लेट द नंबर एन बी 8, लेट्स सपोज 8, 2, 3 एनीथिंग. ओके, एंड इट्स एक्सपोनेंट ई बी 5. ओके जी, सो हाउ वी सॉल्व दिस एल्गोरिथम. देखें, आपके पास नंबर 8 है, एक्सपोनेंट 5 है. इसका मतलब ये हुआ कि 8 की पावर 5 आपने निकालनी है. ठीक है, अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 में. इनिशियलाइज द प्रोडक्ट एंड के टू 1. प्रोडक्ट इसलिए कि सिंपल सी बात है, जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कहीं पे स्टोर भी तो करेंगे. स्टोर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए और उस जगह को हम वेरिएबल से डिनोट करेंगे और वो वेरिएबल पी होगा. तो इसलिए हमने प्रोडक्ट पी रखा, पी इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1. फाइंड द प्रोडक्ट P equals to P multiply N. आपको पता है, देखें कि 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 इसी तरह होता है. 8 को 5 times multiply करना पड़ता है, ऐसे ही है. तो सबसे पहले 8 multiply 1 होगा तो P में क्या आ जाएगा, P में आ जाएगा 8. ठीक है, स्टेप 4 में K को 1 से बढ़ा देंगे. अब K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा 2. पहले क्या था, 1 1 प्लस 1 2. चेक इफ द वैल्यू ऑफ K इज लेस देन और इक्वल टू E. K को अब क्यों यहाँ पर रखा, K को इसलिए रखा कि हम K जो है वो एक्सपोनेंट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं. आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंट पावर मीन्स 5 है तो हम 8 को 5 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ना ही 5 से कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो k को हम यहाँ पर रखेंगे कि 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा और 5 तक जाके स्टॉप हो जाएगा. इफ k इक्वल्स टू एंड लेस देन e देन गो टू स्टेप नंबर 3. यहाँ पर k क्या है, 2, तो हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे. स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई n. अभी p में क्या पड़ा हुआ था, अभी
8 था ना, 8 मल्टीप्लाई n, n 8 है, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 64 p में आप स्टोर हो गया, k में 1 और ऐड कर रहे हैं, अब k क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। दोबारा चेक करेंगे k लेस देन इक्वल टू e, पावर क्या है 5, छोटा है, सही है। दोबारा स्टेप नंबर 3 पे चले जाएं, अभी p में क्या है 64 मल्टीप्लाई 8 क्या आता है 512, ऐसे ही है। अब p में क्या स्टोर हो गया 512 स्टोर हो गया, अगले स्टेप पे आएगा k एक और बढ़ा देगा, k क्या हो गया 4। दोबारा चेक करेंगे k लेस देन इक्वल टू e, 4 5 से भी छोटा है, पावर 5 तक हमने लेके जानी है, इट्स मीन गो टू स्टेप नंबर 3 अगेन एंड वी मल्टीप्लाई p विद n, p इज 512 मल्टीप्लाई n, क्या हो गया 4096, क्या आ जाएगा 4096। अब p में स्टोर हो गया, k को एक और बढ़ा दिए, k क्या हो गया 5। दोबारा चेक करें 5 लेस देन इक्वल टू e, अभी भी इक्वल तो है ना, पावर 5 तक तो हमने जाना था, ठीक है इक्वल है, स्टेप 3 पर जाएंगे। अभी इसमें क्या पढ़ा था 4096 p में पढ़ा था, उसको मल्टीप्लाई कर दे n के साथ, और n क्या है 8 ही है, अभी क्या आएगा 32768, क्या आएगा 32768। नीचे आएगा k में इंक्रीज करेगा, k क्या हो जाएगा 6, अब देखेगा k इज लेस देन इक्वल टू 5 है ऐसा नहीं है, तो अब अदरवाइज में जाएगा, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6, आउटपुट p को डिस्प्ले कर देगा और क्या आएगा आंसर 32768 और स्टॉप कर देगा। हमेशा याद रखें जहां पर भी ये इफ आएगा, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये जो इफ के साथ कंडीशन लगी होती है, ये चीज अगर ये आपके पास ट्रू होती है तो आपके पास ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन आपके पास क्या होती है फॉल्स होती है, तो फिर अदरवाइज के बाद वाला स्टेप ये क्या चीज होती, ये एग्जीक्यूट होता है। ओके जी, इफ कंडीशन इज ट्रू देन गो टू द स्टेप नंबर 3, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन गो टू द स्टेप नंबर 6। जहां पर भी इफ स्टेटमेंट आएगी, ट्रू की सूरत में ये स्टेप, फॉल्स की सूरत में अदरवाइज पे आप लोगों ने जाना है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। अरे आप, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प।